सामने आईने के जो होते हो तुम, शर्म का बोझ किस तरह ढोते हो तुम। बेटियां जब सरेआम लुटती हैं तो हाकिमों किस तरह घर में सोते हो तुम। के मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। ऐसे काम नहीं है, आप भी थोड़ी देर के लिए बैठो, आप बिल्कुल आप इधर भी बैठ जाओ, ऐसे चुप हो जाओ जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं, आप बिल्कुल चुप हो करके बैठ जाओ। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन, पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, सुनिएगा। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। सोचता हूँ तो मेरी आँख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। अगला मिसरा पुकारता है आपको। कभी कभी आपने देखा है कि जब भी मैच होता है तो इनबॉक्स में आकर के बहुत सारे लोग ज्ञान देने लगते हैं, वतन परस्ती का सबूत मांगने लगते हैं। मेरे भी इनबॉक्स में आते हैं और कहते हैं आपका तो नाम भी इमरान है, आप क्या कहेंगे। तब मैं कुछ और नहीं बोलता हूं, पलट के एक तस्वीर भेजता हूं कि खाने काबा के सामने हज करने गया हुआ एक शख्स तिरंगा लेकर के खड़ा है, वो तस्वीर भेजता हूं और जवाब में इतना लिखता हूं कि मेरे भाई हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले, हमने तो ऐसी जगहों पे भी तिरंगे फहराए हैं जहां कदम रखने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं है। मैं पढ़ता हूं, सुनना मेरे भाई। कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। तैयार रहना आप बाराबंकी वालों। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, के हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। आप तो रूहानी लोग हैं, रूहानी लोग ऐसी खामोशी से इस मिसरे को सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा। इधर डाइस, इधर सामने वाले साथी, इधर डाइस के भी दोस्तों की दुआएं मिले। मैं दुआ कर रहा हूं और इस दुआ में पूरे बाराबंकी को शामिल कर रहा हूं। कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, रूह से मुल्क का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। और आखिरी बंद इस नज्म का, कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। अगले दो मिसरे, एक एक शख्स तीसरे मिसरे पे खामोश रहेगा और चौथा मिसरा अगर लगे कि आपकी धड़कनों की तर्जुमानी कर रहा है तो कसम है कि खाक को जिन्होंने अब तक दाद नहीं दी होगी, मुझे उनकी भी दुआएं चाहिए। मैं पढ़ता हूं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिख
दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। वाह वाह, थक गए आप लग रहा है मुझे।